अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमरीन इस्माइल फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, मैं उठते हैं ना, फर्स्ट बेडरूम क्लीन कर लेती हूँ, बेड साफ़ कर लेती हूँ और नीचे बिस्तर डालकर सोते मुजम्मिल मुजफ़्फ़र वो भी उठा देती हूँ। और हॉल तो है ना, रात में सोने से पहले हॉल क्लीन करके सोती हूँ ताकि सुबह उठे तो है ना एक अच्छी वाइब्स आए। मुजम्मिल मुजफ़्फ़र उठ गए तो उन लोग को है ना फ्रेश होने के लिए बोली, पानी न हो, दो दिन से वही कपड़े पहने हुए हैं, उन लोग को बोलना पड़ता। और मैं यहाँ पर दही जमाई थी, बहुत फर्स्ट क्लास बना था। और है ना नाश्ते में मैं बना रही हूँ भिंडी फ्राई बच्चों के लिए, और आटा भी फ्रिज में से निकाल दी थी तो भिंडी कट कर रही हूँ थी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर। तो आप लोग देखिए, थोड़ी सी भिंडी है ना अच्छी निकली, बाकी सारी भिंडी है ना सख्त निकली। इतनी भिंडी अच्छी निकली सिर्फ, और ये सारी भिंडी जो नीचे रखी हुई है ये पूरी सख्त निकली। इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को। खैर कोई बात नहीं, होते रहता। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जब तक नाश्ता बनाई, मुजम्मिल मुजफ़्फ़र भी है ना फ्रेश हो गए और हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे, मैं बच्चे और साथ में है ना जो दही जमाई थी वो दही भी था। खुश हो गए लोग दही शक्कर देके, लोग को बहुत पसंद है दही शक्कर खाना। और यहाँ पर है ना मैं जल्दी जल्दी मेरा नाश्ता फिनिश कर ली थी। मुदस्सिर को भी बिठाए दस्तर पे, क्योंकि उनको भी है ना देख के हैबिट होना बोल के, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाए, मेरे को ही खिलाना पड़ा। तो इनको खिलाते खिलाते ऐसे ही एक घंटा हो गया, फिर भी थोड़ा सा खाया नो। फिर जहर का टाइम हो गया तो पहले मैं नमाज़ पढ़ ली, फिर नमाज़ पढ़ के है ना बैठ गई थी ऐसे कपड़े फोल्ड करते हुए। फिर है ना किचन में आई, जो दही जमाई थी ना उसकी लस्सी बना के बच्चों को दूँगी बोल के, तो फिर है ना लोग को लस्सी बना के दे दी दोनों को। इसमें है ना मैं आइस क्यूब्स डाली और शक्कर डाली। तो फ्रेंड्स, मैं असर की नमाज़ पढ़ के है ना किचन में आ गई थी और ये शाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ डिनर के लिए। मेरी कोशिश रहती है हस्बैंड आने से पहले है ना पूरा मैं काम करके बैठूं, तो यहाँ पर है ना मैं जल्दी आज है ना ज़बरदस्त बना था ये बटर शाही पनीर, बहुत टेस्टी बना था। तो बच्चों को है ना एक एक रोटी डाल के दे दी हूँ, उन लोग को भूख नहीं लग रही थी लेकिन है ना फिर भी इन लोग को है ना इसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी तो लोग बोल रहे थे कि मम्मा एक एक रोटी डाल के दे दो। सीधे से वैसे मुजफ्फर को और हस्बैंड को हर चीज़ पसंद आती मेरे हाथ की, तो खा के बोल रहे थे कि अच्छा बना, लेकिन टेस्ट तो हाई लेवल पे था, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बना बोले थे हस्बैंड डिनर करने के बाद। तो मैं है ना यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी और मुजफ्फ़र फ्रिज में से ये बॉक्स निकाल के दिए, और ये रेड वेलवेट केक है जो मैं बर्थडे में गई थी, आप लोग देखे होंगे वो व्लॉग, जो नए देखे वो देखो जाके। तो वहाँ पर 3 केक्स थे लेकिन है ना अनाबिया इतना रो रहे थे कि केक कट कर केक ही नहीं कट कर रहे थे उन्हों, तो ये एक्स्ट्रा और एक केक रखा हुआ था वहाँ पर। पता नहीं ये केक कौन लेके आए, वो बेद भैया उनके मम्मी लाए या उनके पापा लाए या कौन लेके आए नहीं मालूम, लेकिन है ना ये बॉक्स में डाल के दिए थे। तो अब हम लोग खा रहे थे, इतना टेस्टी था ये केक। इंशाल्लाह मैं कुछ भी रहा हमारे घर पे बर्थडे या वो कुछ भी नेक्स्ट, तो यही केक ऑर्डर करूँगी, तो मेरे को बहुत पसंद आया था। और है ना यहाँ पर मैं पूरी रेसिपी शूट करी थी ना, तो बाजू में इतना सारा बर्तन निकल गया। मैं पकाते पकाते है ना हमेशा बर्तन धो लेती हूँ साथ में, लेकिन है ना रेसिपी शूट कर रहे कैमरे के साथ काम कर रहे तो है ना बहुत ज़्यादा रहता, तो मैं यहाँ पर है ना बर्तन धो ली थी और चावल रख दी थी। और मैं कुछ अलग टाइप का राइस बनाई थी, बहुत टेस्टी बना था,
उसमें घी बटर भी डाली थी, चिली फ्लेक्स डाली थी, बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर लाइट चली गई थी और मेरा काम भी हो गया था। मेरी कोशिश रहती कि मैं किचन में है ना पकाते टाइम पे पहले मुदस्सिर को सेट कर दूँ, बीच बीच में आके डिस्टर्ब ना करे, और है ना बर्तन धोते टाइम भी अगर उन्होंने आके रोए ना मेरे को इतना ख़राब दिखता, फ्लोर कच्चा रहता उन्होंने आके वहाँ पर रोए तो अच्छा नहीं दिखता मेरे को, इसीलिए है ना उनको पहले मैं सेट कर देती हूँ फीडो बॉटल देके या फिर टीवी में राइम्स लगा के देती हूँ तो उन्होंने देखते रहते। और वैसे मेरा पूरा काम हो गया हस्बैंड आने से पहले, और यहाँ पर लाइट भी चली गई थी। तो फ्रेंड्स लाइट आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो गया, खाना भी बन गया, किचन क्लीन हो गया। थोड़ा भी इधर उधर टाइम हो गया तो फिर बच्चों को सुलाने है ना टाइम ही हो जाता। तो फ्रेंड्स अभी है ना शाम के 9 बज रहे, हस्बैंड आ गए मतलब ऊपर नहीं आए, अभी एक बच्चे से भेजे ऊपर, बच्चा बोल रहे कि भैया नीचे है। तो यहाँ पर है ना ये बोरबॉन बिस्किट लाए, दूध लाए, ब्रेड लाए, और है ना ये बोरबॉन बिस्किट मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत पहले से उनको मालूम है, लेकिन अब नहीं है मेरे फेवरेट, हाइड एंड सीक बिस्किट है फेवरेट। और ये दलिया मंगाई मैं, कल दलिया बनाऊँगी। अब हाइड एंड सीक बिस्किट फेवरेट है बोल के व्लॉग में बोले तो वो लेके रह आते हैं उन्होंने मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना बच्चों के लिए मोमोज़ लेकर आए हैं, अभी हस्बैंड ऊपर नहीं आए लेकिन है ना मुजफ्फ़र देख लिए मोमोज़, मुजफ्फ़र को बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो ये लोग के लिए निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर। और ये वाली चटनी इतनी स्पाइसी थी, मैं हम लोग स्पाइसी खाते लेकिन ये चटनी इतनी स्पाइसी कैसा खाती कि, लेकिन है ना यहाँ पर मुजफ्फ़र ये चटनी खाए मोमोज़ के साथ, अम्मा मैं तो वो हो गई देख के, इतनी टेस्ट थी ये चटनी, मैं नहीं खा सक रही हूँ उन्हों कैसा खा रहे, क्योंकि हम लोग अच्छा स्पाइसी खाते, मतलब हम लोग मीन्स हमारे मम्मी के पास मैं, हमारे मम्मी पापा लोग, हम लोग स्पाइसी खाते हैं, हमारे भाइयाँ आप आने से पहले मोमोज आ गए घर में, खा लिए भी हम लोग, बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करती सेम मोमोज बनाने की। अरे वो बनाते नहीं आप रमजान में पूरी कैसे मोमोज ही रहता? हाँ थोड़े अलग बनाना पड़ता है। मुजम्मिल मोमोज कैसे थे? कोसी बेकरी का है? अरे मैं बनाई। माशाल्लाह अब्बू को वैसे भी मालूम केक का कुछ भी आइटम है ही नहीं घर में, ओवन खराब है बल्कि मालूम है अब्बू को, सब्जी नहीं खाए वो आपका है, बच्चों को खिला दे रहे क्या? अच्छा है नहीं। तो फ्रेंड्स अभी है ना 10 बज गए और हम लोग जब से बातें कर लेते हुए बैठे थे, फिर हस्बैंड फ्रेश हो गए जब तक मैं रोटी डाल, मुजम्मिल सरप्राइज हो गया है, आया था टमाटर की चटनी है समझा, मम्मा पनीर का सालन बना के रखी, वाह टेस्टी बना सालन, वो टेस्टी बना मटर पनीर का सालन, अल्हम्दुलिल्लाह मुजम्मिल को बोल रही अब वो दसिन गिर जाएंगे और थाली के ऊपर। तो फ्रेंड्स डिनर कर लिए, 11 बज गए और यहाँ पर काढ़ा बना रही हूँ मैं, ये ऑल स्पाइसेस गरम मसाले डालकर बनाते, ये बहुत अच्छा रहता, पेट की सफाई होती, तो हस्बैंड और मैं दोनों भी पीते हैं। और यहाँ पर चिया सीड्स भिगा कर रखी मैं, कल सुबह पीती हूँ, और साइड में दूध भी बॉईल हो रहा दही जमाने के लिए, और यहाँ पर पानी गर्म करके रख दी, थर्मास में डाल देती हूँ, रात में मदद से दूध के लिए उठते उनको फॉर्मूला मिल्क देती हूँ मैं, और यहाँ पर ये कटोरे में
थोड़ा दही लगा हुआ है, इसमें दूध डालते कि दही बन जाता है कल तक। तो फ्रेंड्स यही था आज का व्लॉग, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।